सुल्तान सुलेमान दुनिया के उन तीन बड़े हुक्मरानों में शुमार होते हैं जिन्हें द ग्रेट कहलाने का एजाज़ हासिल हुआ। पहले हुक्मरान सिकंदर आज़म जबकि दूसरे तैमूर थे। सुल्तान सुलेमान 15 साल की उम्र में घोड़े पर बैठे और पूरी ज़िंदगी लड़ते गुजारी। उन्होंने यूरोप और एशिया के बड़े इलाके फतह किए जिसकी वजह से यूरोप ने उन्हें सुलेमान द मैग्निफिसेंट का नाम दिया जबकि मशरक में उनको सुलेमान अल कानूनी के नाम से जाना जाता है। सुलेमान अव्वल 6 सितंबर 1494 को त्राबज़ोन में पैदा हुए। 30 सितंबर 1520 सुलेमान अव्वल 26 साल की उम्र में सल्तनत उस्मानिया के 10वें हुक्मरान बने। आप इस्लाम के 89वें खलीफा थे। जिस दौर में सुल्तान सुलेमान तख्त पर बैठे उस वक्त यूरोप कुरून वस्ता यानी मिडिल एजेस के दौर से निकलकर अहद जदीद में दाखिल हो रहा था। सल्तनत उस्मानिया और यूरोप के दरमियान पिछले 40 साल से कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी जिसकी वजह से यूरोप ने बहुत नुमायां तरक्की कर ली थी। स्पेन मुतहद हो चुका था, फ्रांस अपनी खाना जंगी को ख़त्म करके दूसरे मुल्कों की फतूहत के लिए निकल चुका था, इंग्लिस्तान और ऑस्ट्रिया में भी कुवत और इस्तेकाम की अलामत जाहिर थीं। मजहबी जोश से लबरेज तमाम मसीही सल्तनतें बाहमी अदावतों के बावजूद सल्तनत उस्मानी के मुकाबले के लिए तैयार खड़ी थीं। चार्ल्स पंजम जिसकी वसी सल्तनत यूरोप के निफ से ज़्यादा हिस्से पर फैली हुई थी ख़ास तौर पर इस मसीही इतिहाद में पेश था। दौलत उस्मानिया के लिए चार्ल्स और इसके मावनीन से कुवत आजमाई करना आसान ना था, खुसूसन ऐसी हालत में कि ईरान की वसी सल्तनत दुश्मनी पर आमादा थी और शाम मिस्र में हर वक्त बगावत का ख़तरा था। लेकिन उस वक्त के दुनिया के सबसे बड़े शहंशाह सुल्तान सुलेमान अव्वल की बदौलत सल्तनत उस्मानिया ना सिर्फ इन बैरूनी और अंदरूनी खतरा से महफूज रही बल्कि पूरी 16वीं सदी ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया की कुव्वत और वसत में इजाफा ही होता गया। सुल्तान सलीम के आखिरी दौरे हुकूमत में सल्तनत उस्मानिया और सल्तनत हंगरी के सरहदी इलाकों में बराबर छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती थीं। इस खलिश को दूर करने के लिए सुल्तान सुलेमान ने बलग्रात को फतह कर लेना ज़रूरी समझा और इस शहर के गिर्द जिसने मोहम्मद फातेह जैसे सुल्तान को पसपा होने पर मजबूर कर दिया था अपने खैमे नसब कर दिए। 7 रोज़ की गोलाबारी के बाद 29 अगस्त 1521 को बलग्रात फतह हो गया। इस फतह से हंगरी में दाखिल होने के तमाम रास्ते खुल गए। इसके बाद सुल्तान सुलेमान रोडस की तरफ मुतवज्जे हुए। रोडस की फतह मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ज़रूरी थी। रोडस के जहाज़ बहर रूम के मशरिकी हिस्सा में और मजमा अलजज़ायर और अनातोलिया के साहलों पर लूट मार मचाते रहते थे और कुस्तनतुनिया और शाम मिस्र के दरमियान जो ताल्लुकात अब कायम हो गए थे इनमें रोडस के नाइट्स अपने जहाज़ों के जरिए रखना अंदाज होते रहते थे। इन असबाब की बिना पर सुल्तान सुलेमान ने इस जजीरा का 1 अगस्त 1522 को मुहासरा किया जो तकरीबन 5 महीने जारी रहा। बिलाखर रोडस के फौजियों ने हथियार डाल दिए और सुल्तान सुलेमान ने 25 दिसंबर 1522 को रोडस भी फतह कर लिया। सुल्तान ने अहले रोडस को इंतहाई फराहदलाना पेशकश की कि वो 12 दिन के अंदर अपने तमाम असला और सामान के साथ अपने जहाज़ों में जा सकते हैं, लेकिन ये तारीखी हकीकत है कि अक्सरियत ने तुर्कों के मातहत जजीरा ही में रहना मंजूर किया। इन्हें मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी गई, 5 साल के लिए इनके टैक्स माफ़ कर दिए गए। 1522 को मिस्र के नए हाकिम अहमद पाशा ने बगावत कर दी। सुल्तान सुलेमान ने इस बगावत को कुचला और अहमद पाशा को कत्ल करवा दिया और सदर आज़म इब्राहिम पाशा को मिस्र के इंतज़ाम के लिए मामूर किया। 1526 में सुलेमान आज़म ने हंगरी की जानब कदम बढ़ाया। हंगरी को फौजी नुक्ता नज़र से ईसाइयों की एक मजबूत ताकत ख्याल किया जाता था। 2 घंटे से भी कम वक्त में हंगरी की किस्मत का फैसला हो गया और हंगरी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गया। सुल्तान सुलेमान ने काउंट ज़ापोलिया को हंगरी का नया शाह मुकर्रर किया, लेकिन सुल्तान सुलेमान के वापसी पर हंगरी में खाना जंगी हो गई और ऑस्ट्रिया के शहनशाह फ्रेडिनेंड जो कि चार्ल्स पंजम का भाई था ने काउंट ज़ापोलिया को हटाकर हंगरी पर कब्जा कर लिया। सुल्तान सुलेमान को जब इसकी खबर पहुंची
तो आप 3 सितंबर 1529 को 2.5 लाख फौज और 300 तोपों के हमरा हंगरी के पाया तक बोधा पहुंचे और फ्रेडनेंड को शिकस्त देकर काउंट ज़ापोलिया को दोबारा हंगरी का सरबराह मुकर्रर किया और खुद ऑस्ट्रिया के मशहूर दारुल हुकूमत वियना की तरफ बढ़े। ऑस्ट्रिया वालों की तमाम दिफाही तैयारियों के बावजूद सुल्तान सुलेमान ने वियना का मुहासरा कर लिया। 27 सितंबर से 14 अक्टूबर 1529 तक वियना का मुहासरा जारी रहा। एक तवील अरसे से जंग में मसरूफ रहने, मौसम की शिद्दत, यनीचरे की हुक्म अदूली और अपनी कुव्वत को मजीद ज़ाया होने से बचाने के लिए यह मुहासरा उठाना पड़ा। 3 साल के बाद सुल्तान सुलेमान ने फिर एक ज़बरदस्त फौज के साथ वियना का रुख किया। अब की बार शहनशाह चार्ल्स ने ऑस्ट्रिया की फौज की कमान खुद अपने हाथ में ली, लेकिन किला गंस की फतह में जो रास्ते में वाकया था 3 हफ्ते की मुदत सर्फ हो गई और इस पर कब्जा करने के बाद सुल्तान सुलेमान ने वियना की तरफ मजीद आगे बढ़ने का इरादा तर्क कर दिया और कुस्तनतुनिया को लौट आए। हंगरी में ज़ापोलिया और फ्रेडनेंड में लड़ाई का सिलसिला कम बेस जारी रहा। बिलाखर हंगरी के 2 हिस्से कर दिए गए, एक हिस्सा ज़ापोलिया और दूसरा फ्रेडनेंड को दे दिया गया, लेकिन ज़ापोलिया के इंतकाल के बाद फ्रेडनेंड ने सारे हंगरी पर कब्जा कर लिया। सुल्तान सुलेमान को जब इसकी खबर पहुंची, तो आप 1541 में हंगरी में दाखिल हुए और फ्रेडनेंड को शिकस्त देकर हंगरी को संजोकों यानी ज़िलों में तकसीम कर दिया और वहाँ तुर्की गवर्नर मुकर्रर कर दिए। शहनशाह चार्ल्स और फ्रेडनेंड ने 5 साल के लिए सुल्तान सुलेमान से सुलह कर ली, जिसके तहत हंगरी और ट्रांसलोवानिया पर सुल्तान सुलेमान का कब्जा बदस्तूर कायम रहा और फ्रेडनेंड ने 30,000 दुकात सालाना जजिया देने की हामी भरी। 1534 में सुल्तान सुलेमान ईरान की तरफ मुतवज्जे हुए और तबरेज पर बगैर किसी मज़ाहमत के कब्जा किया। उसके बाद मोसल और बगदाद के 2 बड़े सूबे बगैर किसी मज़ाहमत के सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिए। 1548, 1553 और 1554 में सुल्तान सुलेमान ने दोबारा ईरान पर हमले किए। आर्मेनिया और मेसोपोटामिया के बाज़ इलाके सल्तनत उस्मानिया में शामिल किए। इसके अलावा सुल्तान सुलेमान के मजबूत बहरी कुव्वत की बदौलत अदन पर भी मुस्तकिल कब्ज़ा कर लिया गया। बहरी कुव्वत के लिहाज से एशिया या यूरोप की कोई सल्तनत दौलत उस्मानिया की हमसर ना थी, जिसकी वजह से सुल्तान सुलेमान ने अलजज़ायर, त्राबलस के सूबे और बहरे स्पेन के मुतअद्दिद जज़ीरे जो वीनस के कब्ज़े में थे फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। 1566 में ऑस्ट्रिया से जंग फिर शुरू हो गई, जिसमें ईसाइयों ने कुछ कामयाबियां हासिल कर लीं। सुल्तान सुलेमान इस ज़माने में बीमार थे, इसके बावजूद मर्दाना वार अफवाज की क़यादत के लिए निकल आए। ऑस्ट्रिया के किले सगतवार का मुहासरा 2 अगस्त 1566 को शुरू हुआ और 8 सितंबर को किला फतह हुआ, लेकिन सुल्तान सुलेमान इस फतह को खुद ना देख सके, क्योंकि आप 5 और 6 सितंबर की दरमियानी शब 71 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। सुल्तान सुलेमान की वफ़ात की खबर दानिस्ता 7 हफ्ते तक मख्फी रखी और जब शहज़ादा सलीम ने कुस्तनतुनिया में तख्त संभाल लिया तो उसके बाद आपकी वफ़ात का ऐलान किया गया। सुल्तान की मैयत वापस कुस्तनतुनिया लाई गई, जहां खुद इनकी तामीर करदा मस्जिद सुलेमानिया में इन्हें सुपुर्द खाक किया गया। सुल्तान सुलेमान ने मुल्की नज़्म व नस्क़ की तरफ भी इतनी ही तवज्जो दी जितनी फतुहात की तरफ दी थी। आपने जागीरदारी निज़ाम की तरफ भी तवज्जो दी और बदअनवानियों के खात्मे के लिए कानून साजी की। आपने अपनी गैर मुस्लिम रियाया के लिए जो कवानीन बनाए वो उसकी रवादारी और रोशन ख्याली की एक वाज़े मिसाल थी। सुल्तान सुलेमान अहले इल्म के नहायत कदरदान और ख़ुद भी शायर और मुसन्निफ थे। सुल्तान सुलेमान को तामीरात से भी दिलचस्पी थी। उन्हीं के अहद में सुलेमानिया मस्जिद तामीर हुई। यह तुर्क फन तामीर का बेमिसाल नमूना है। कुस्तनतुनिया में एक बड़ी नहर बनवाई और तमाम बड़े शहरों में अस्पताल भी इनके दौर में तामीर हुए। सुल्तान सुलेमान ने जिस वक्त तक संभाला, उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का रकबा 65,57,000 किलोमीटर था और उनके 46 साल दौरे हुकूमत के अख्ताम पर सल्तनत उस्मानिया का रकबा 1,48,93,000 किलोमीटर तक जा पहुंचा था।